नमस्कार मित्रों मित्रों, एक ब्राह्मण कन्या से यदुवंश का क्या संबंध है तथा इस संबंध से यदुवंश में कौन कौन लोग उत्पन्न हुए हैं, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में बताऊंगा। तो यदुवंश के इस संबंध का वर्णन भगवत महापुराण के नवम स्कंद के 18वें अध्याय में सुखदेव जी और राजा परीक्षित आपस में वार्तालाप करते हैं, जिसमें सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र हुए। किंतु मित्रों, यहां पर आप लोग 5 इंद्रियों के स्थान पर 6 इंद्रियों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताऊंगा कि छठी इंद्री कौन सी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, जिसमें से नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। किंतु आगे के क्रम में जब इंद्र पत्नी की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। तब सुखदेव जी की इतनी बातें सुनने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवन, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का उल्टा विवाह कैसे हुआ? इस पर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम शर्मिष्ठा था। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर के पास पहुंचने पर उन सुंदर कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र को घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से बाहर निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। किंतु शीघ्रता के कारण दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अनजाने में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। और ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्ट ने जैसे कोई अशुद्ध व्यक्ति वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का पता है? जैसे कवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़े के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले।
उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। तब देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है, यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैं बृहस्पति के पुत्र कच को श्राप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे श्राप दे दिया, इसी कारण ब्राह्मण मेरा पारिग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभिष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाई। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया, अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकल पड़े। किंतु जब दैत्यराज विश्वरवा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं को जीत न करा दें अथवा मुझे साप न दे दें, अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। तब शुक्राचार्य ने विश्वरवा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जब विश्वरवा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहां कहीं जाऊं, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। तब शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। किंतु कुछ ही दिनों के बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने देवयानी के पति ययाति से एकांत में अपने लिए उनसे पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मराज ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यह निश्चय किया कि समय प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। तब ब्राह्मण देव शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा दैत्यराज विश्वरवा की पुत्री शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रह्यु, अनु और पुरु। और हम इस बात को थोड़ा सूचीबद्ध तरीके से बताऊंगा ताकि सभी लोगों को यह बात समझ में आ जाए। तो मित्रों, जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि राजा ययाति की पत्नी देवयानी, जो ब्राह्मण देव भगवान शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, उससे 2 पुत्र यदु और तुर्वसु पैदा हुए, तथा दूसरी तरफ इधर दैत्यराज विश्वरवा की कन्या शर्मिष्ठा, जो कि देवयानी की दासी थी, उससे 3 पुत्र द्रयु, अनु और पुरु पैदा हुए। और इनके 3 पुत्रों से जो वंश चला
वो इस प्रकार है, द्रहि से भोजवंश, अनु से मलिक्षवंश तथा पुरु से पौरवंश या कुरुवंश चला, जिसमें हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा शांतनु, भीष्म पितामह, कौरव और पांडव इत्यादि हुए। किंतु मित्रों अब इधर देखिए, राजा ययाति की पत्नी देवयानी जो ब्राह्मण की पुत्री थी, उनसे दो पुत्र यदु और तुर्वसु पैदा हुए, और इसी ब्राह्मण कन्या देवयानी के बड़े पुत्र यदु से यादव वंश चला, और इस यदु वंश की कई शाखाएं और उपशाखाएं हुई, जैसे है वंश, भोज वंश, अंधक, विश्री इत्यादि इत्यादि, जिसमें भगवान श्री कृष्ण सहित तमाम देवी देवताओं का जन्म हुआ। तो यह महान यदुवंश जिनके नाम से यह वंश उत्पन्न हुआ था, उनको जन्म देने वाली माता ब्राह्मण देव शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। किंतु मित्रों प्रारंभ में हमने आप लोगों से कहा था कि इंद्रियां छह प्रकार की होती हैं, जिसमें पांच इंद्रियों को तो सभी लोग जानते हैं, किंतु छठी इंद्री सुषुम्ना नाड़ी को माना जाता है, जो शरीर में सुप्ता अवस्था में रहती है, जिनको योग साधना से जगाया जाता है। तो मित्रों यदुवंश के ब्राह्मण कन्या के संबंध की जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।